नमस्कार, मैं हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। चोपटा की अनाज मंडी के अंदर आज तीन गांव के किसानों के पास मैसेज थे, उनकी चना की फसल बेचने के लिए उनके पास मैसेज आए हुए थे। और तीन गांव के अंदर गुड़ियाखेड़ा, ढूकड़ा और गुसैयाना गांव है, वहां के किसान अपनी चने की फसल लेकर मंडी में आए हुए हैं सुबह 8 बजे से, और अब लगभग 12 बजने को है और अभी तक ये बता रहे हैं कि यहाँ पर एक भी व्यक्ति का, एक भी किसान का जो सैंपल है वो पास नहीं किया गया है। तो इसकी वजह से इनको भारी दिक्कत हो रही है, लगभग 4 घंटे से यहाँ पर खड़े हैं। तो क्या क्या दिक्कत है इनको, इसकी जानकारी लेने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं और कुछ किसान हमारे साथ, उनसे हम बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र सिंह है जी, गुसाईवाला गाँव से हूँ सर। क्या दिक्कत यहाँ पे आ रही है? सर, हमें कल मैसेज मिला था कि आपके चने की खरीद की जाएगी। हम सुबह 8 बजे से मंडी में पहुंच गए, सुबह से लेकर अब तक केवल एक ही सैंपल पास नहीं हुआ है। अब उनके पास जाते हैं तो वो कह रहे हैं जब तक ये सैंपल पास नहीं होगा तब तक खड़े रहो। हमें लगभग 3-3.5 घंटे हो गए सर यहाँ खड़े हुए, परेशान हो रहे हैं। घर पर भी काम है, खेत में भी काम है। अब ये बताइए, अकेला चने की बेचने के लिए तो नहीं खड़े रह सकते ना पूरे दिन। कुछ और किसान भी हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी, क्या नाम है और कौन सा गांव? गांव गुड़ियाखेड़ा धर्मपाल पुनिया जी। क्या दिक्कत आ रही है? ये सैंपल पास को नहीं होना रहे जी। क्या करा कौन जी? अच्छा। कई बार खड़े हैं, मैं तो अच्छा। 2-3 बारी अंदर जाइए, वो पहले को सैंपल ले गया, कोई पास को नहीं होना रही। अच्छा। कौन आ रहे जी, कई बार खड़े हैं। तो ये बता रहे हैं कि सैंपल अभी तक पास नहीं किया जा रहा है। कुछ और किसान है, क्या नाम है आपका? प्रताप जी। कौन सा गाँव है? गुसैयाना। क्या दिक्कत आ रही है? सैंपल पास नहीं है जी, सुबह 8 बजे से खड़े हैं। क्या कह रहे हैं अधिकारी? सैंपल पास टाइम लगेगा, खड़ी क्यों नहीं? सुबह 8 बजे खड़े हैं। क्या सैंपल पास नहीं कर रहे हैं, इसके पीछे क्या बता रहे हैं? वापिस काट दिया, जाओ बारह जाओगे। क्या मांग क्या है आपकी? मैं सैंपल पास रिचीना तोल दिया जैसे और की मांगे। तो ये समस्या इनको है, किसानों को, पिछले 4 घंटे से यहाँ पर खड़े हैं, अपनी चने की फसल लेकर यहाँ आए हुए हैं और इनको अभी तक किसी भी एक व्यक्ति का सैंपल पास नहीं हुआ है, और इस वजह से किसानों को यहाँ पर इस धूप के अंदर खड़ा रहना पड़ रहा है। इससे उनका जो समय की भी बर्बादी हो रही है, वहीं इनको जो आर्थिक नुकसान भी, वो ये है कि ये अपने अपने वाहन से या किसी दूसरे के वाहन से अपनी फसल, चने की फसल लेकर यहाँ आए हैं, लेकिन अभी तक इनकी फसल, एक भी व्यक्ति का सैंपल पास नहीं हुआ है। और कब इसका सैंपल पास होता है, कब इसकी तौल होता है, तो इसकी भी इनको, किसानों को चिंता बनी हुई है। तो कुछ और किसान हैं, उनसे भी हम बात करने का प्रयास कर रहे हैं और अधिकारियों से भी हम बात करेंगे कि क्या मानते हैं इतनी देरी किस वजह से हो रही है कि सुबह 8 बजे से किसान यहाँ पे है और 12 बजने को है और अभी तक एक भी व्यक्ति का सैंपल पास क्यों नहीं हुआ है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र सिंह है जी। कौन सा गांव है? गुड़ियाखेड़ा जी। क्या दिक्कत यहाँ आ रही है? दिक्कत ये है जी, सुबह से किसान लेके आवे, 3 बजे तक यहाँ खड़े रहे। एक तरफ तो कह रहे हैं भी लॉकडाउन का पालन करो, दूसरी तरफ जो 3 बजे सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक जो किसान आएगा वो कहाँ बैठेगा, कहाँ जाएगा? आएगा तो मंडी में ही ना, भीड़ होगी फिर ये लॉकडाउन। दूसरी बात ये है कि ये सुबह ले के आते हैं सैंपल पास, अभी तक एक का ही नहीं किया। कह रहे हैं करेंगे 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 करेंगे, कब पीछे से किसान आ रहे हैं, किसान परेशान है, सुबह आता है भूखा प्यासा, यहाँ सारे दिन परेशान रहता है और शाम को जाके पता नहीं है क्या जवाब देंगे। किसानों की मांग है सैंपल पास करो, जो झाड़ लगानी है लगाओ, जो इनको करना है करो मान लो, और जो हमारा कचरा या बारीक दाना होगा हम वापिस ले जाएंगे, इनको तोलना है उतना तो तोलो। तो ये परेशानी है जी, बगैर मतलब ये अधिकारी कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं हमें पता नहीं, किसानों को परेशान जरूर कर रहे हैं। अब ये जो किसानों को जो दिक्कत आ रही है इस संबंध में, यहाँ पर जो वेयर हाउस की तरफ से जो सैंपलिंग इसकी हो रही है, वो सैंपल जो ले रहे हैं वो यहाँ के जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी, क्या दिक्कत आ रही है? अभी तक 12 बजने को है, एक भी सैंपल पास नहीं हुआ है, क्या दिक्कत आ रही है? मैंने एक सैंपल चेक किया है, उसमें 6% ये डैमेज डिस्कलर लिख रहे, 7% लिख रहे, लेना मैंने 6% है, ये लेना है 6%। नहीं, इसका सैंपल लेने का क्या पैमाना, क्या तरीका है आपका सैंपल लेने का? डेरी आ गई, यहाँ ट्राली आ गई, उसका सैंपल निकालेंगे हम पहले, फिर अंदर करेंगे। नहीं, ये झार पंखा लगने के बाद इसका तोल होगा या सीधा जो आप सैंपल ले रहे हो वो तोल होगा? नहीं, झार पंखा लग गया होगा।
तो फिर अब सैंपल आप पहले कैसे इसको ले रहे हो, इसका पैमाना तो नहीं रहेगा? एंट्री सैंपल तो एंट्री होगी, उसका सैंपल लेना। एंट्री पे तो इसका मॉइस्चर चेक होता है सिर्फ, जैसे सरसों का होता है उसका मॉइस्चर चेक होता है, उसके बाद अगर उसमें कोई कचरा रहता है तो वो जार पंखा लगता है तब वो निकल जाता है। ओहो, जार पंखा निकल जाता है पहले? जार पंखा निकलने बाद वो भी कोई दिक्कत को नहीं, जार पंखा निकलेगा नहीं इसमें, वो बाद में लग जाएगा, बाद में और लेंगे हम इसका। अभी यहाँ पर लगभग 100 किसान आए हुए हैं, 3 गांव के किसान हैं, 12 बजने को है, अभी एक भी बंदे का आपने पास नहीं किया। रूल ये है हमारा, जो इसका टोकन बाद में कटेगा जब ये सैंपल पास हो जाएगा, ऐसे वरना टोकन नहीं कटेगा इसका। तो अब क्या इनको वापस भेज रहे हो आप सभी को? मैं वापस नहीं कह रहा हूँ, मैं सैंपल चेक कर रहा हूँ, सैंपल पास हो जाएगा उसको मैं अंदर ले लूँगा, वरना सैंपल पास नहीं है उसको मैं अंदर ले लूँगा। तो बिल्कुल ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जो एंट्री पॉइंट है मंडी का, यहाँ इस एंट्री पॉइंट पे जैसे चाहे सरसों हो चाहे गेहूं हो, उसकी यहाँ पर मॉइस्चर चेक किया जाता है, नमी चेक की जाती है, और उसके बाद उनको एंट्री दे दी जाती है, उसका टोकन कट जाता है, और वहाँ पर जहाँ इसकी तौल होता है वहाँ पर इसकी जराई और भराई की जाती है, और उस दौरान जो कचरा निकलता है वो किसान अपना वापस ले जाता है। लेकिन यहाँ पर चने की फसल को बेचने के लिए नियम अलग से बनाए जा रहे हैं, इसमें एंट्री पॉइंट पर ही पहले उसको चेक किया जाता है, उसको बगैर जार पंखे के उसका जो सैंपल लिया जाता है, और उसमें अगर इसका जो पैमाना है 6-7% का, उससे अगर अबो अगर उसमें आता है, उसमें जो कचरा आता है या जो घटिया क्वालिटी का अगर चना आता है तो उसको वो रिजेक्ट मान लेते हैं। और यही कारण है कि आज पूरे दिन के अंदर अभी 12 बजने को है, एक भी किसान का यहाँ पर सैंपल पास नहीं किया गया है, और इस वजह से किसान काफ़ी दुखी है, परेशान है, और अब ये चेतावनी दे रहे हैं कि ये अपने फसल को अपने घर पर वापस नहीं लेके जाएंगे, बल्कि यहाँ पर रोड जाम ये करेंगे। अब देखना ये होगा अधिकारी इस संबंध में क्या कुछ कार्रवाई करते हैं।